मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर आप घर, फ्लैट या दुकान के रूप में सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो 25 अप्रैल को आपके पास अच्छा मौका है। इस दिन बैंक ऑफ इंडिया अपनी कई प्रॉपर्टी नीलाम कर रहा है, जिनमें आपको भी अच्छी डील मिल सकती है। अगर आप मुंबई जैसे महंगे शहर में कम कीमत में घर या कोई प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं, तो 25 अप्रैल को आपका सपना पूरा हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस नीलामी में फ्लैट प्लॉट पर बने भवन, ऑफिस स्पेस, खाली प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट और दुकानें शामिल हैं। ये नीलामी सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और कई बड़े शहरों में आयोजित होंगी। अगर आप इस नीलामी में शामिल होना चाहते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया की इस नीलामी में 150 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज नीलाम होंगी, जिनमें घर, फ्लैट, दुकानें सब शामिल हैं। अगर किसी डील पर आपकी बात बनती है तो ये काफी फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि इससे अधिक प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए आपको नीलामी में शामिल होना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े शहरों में होने के बावजूद इन प्रॉपर्टीज की कीमत 47 लाख से शुरू होकर 1.17 करोड़ रुपए तक है। इसमें आपको अपनी पसंद की प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपको बता दें कि बैंक की ओर जिन प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जा रहा है, ये वो प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर बैंक से लोन लिया गया था लेकिन चुकाया नहीं गया। ऐसे में बैंक ने ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली, जिन्हें अब नीलामी किया जाएगा। खास बात ये है कि इन प्रॉपर्टीज की कीमत होती तो ज्यादा है लेकिन नीलामी में ये सस्ते दाम में बेची जाती है, इसलिए आपके पास खास मौका है कि आप अपनी पसंद की प्रॉपर्टी कम दाम में खरीद सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।